हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और मैं हूँ रिद्धम मोनिका ताम्रकार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज एक बहुत स्पेशल डे है बिकॉज आज मेरी मम्मी आ रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली मुझसे मिलने के लिए. तो आज मैं भी उन्हें लेने जा रही हूँ. उनकी ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन तक, तो मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए. तो देखते हैं आगे. सो गाइज, मैं गई थी लेने और मैं लेके आ गई हूँ मम्मी को और परी को, और दोनों आ गए हैं. मम्मी अभी अनबॉक्सिंग कर रही है जो जो लेके आई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ. कौन सा शहद है? अच्छा मतलब दवाई. कॉपर की बॉटल लेके आई है मम्मी, अपनी दुकान है. मेरे लिए तवा लेकर आई है, बेडशीट, मेरा ये डर्मेटोलॉजिस्ट वाला फेस वॉश, चिप्स. मेरे लिए दो बैग्स लाए मम्मी ने, भगड़ लाया जो मैं अपने व्रत में खाती हूँ, देन ओट्स है, सत्तू है कान में डालने के लिए, तेल है, स्लिपर्स हैं, चने हैं, और ये क्या है, मिर्ची का अचार है, सूट हैं. इतना सारा सामान है जो मम्मी लेके आई है, और इतने सारे खाने का स्टफ्स जिसमें बहुत सारे बिस्किट्स हैं एंड मच मोर. इससे मैंने अभी पीजी में ब्रेकफास्ट में जो चाउमीन बनी थी मैंने वो खिलाई है. तो अभी गाइस हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं बन पाया है कि हम लोग आज कहाँ जाने वाले हैं. सो लेट्स सी. वैसे आज मेरा ऑफिस में वीक ऑफ मार्क्ड है. आई ट्राई नॉट टू टेक वीक ऑफ, बट अगर लेना होगा तो मैं वीक ऑफ ले सकती हूँ. सो गाइस, मम्मी मेरे खाने वाला फ्लोर जमा रही हैं. इतनी सारी बिस्किट्स लाई है मम्मी ने, कुकीज़, नमकीन, ओट्स, येलो वाले चने, डिफरेंट काइंड ऑफ ओट्स, ढेर सारे अचार. तो गाइस मम्मी यहाँ पे दवाई खाने के लिए कह रही है. दवाई दे. अभी ऑफिस आई और मुझे आने के बाद पता चला कि मम्मी ने खाना ही नाश्ते ही नहीं खाया है. तो मैंने सोचा कि मम्मी को अपने हाथ का पोहा बना के खिलाती हूँ. तो मैं अभी पोहा बना रही हूँ. ये है एमपी का पोहा जिसे हम इंदौरी पोहा कहते हैं. टेस्ट. तो खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए. मेट्रो से पहला प्लान है कि हम एसएन जाएंगे, और यहाँ पे घूमने के बाद सबको बहुत गर्मी लगी तो हमने यहाँ पर जलजीरा पिया, और उसके बाद जो कि टेस्ट में अच्छा नहीं था. वैसे मम्मी लोगों को सरोजनी नगर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं ही, मैं उतना प्रेफर नहीं करती जाना. फिर उसके बाद फिर से भूख लग गई, फिर हम मैकडी गए, वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाया, और फिर परी की चप्पल टूट गई थी. फिर हम दोबारा एसएन गए परी के लिए फुटवेयर लेने के लिए. फिर एसएन घूमने के बाद हम सीधे आए सीपी, और वहाँ से हम सीपी वाले हनुमान जी के मंदिर गए. यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत देर हम यहाँ रुके. फिर मंदिर के बाद वी वेंट टू जनपद मार्केट. यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉपिंग किया. सरोजनी नगर में तो कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, यहाँ पे थोड़ा चांस से शॉपिंग वॉपिंग की थोड़ी बहुत, क्योंकि जनपद मार्केट इज़ गुड, एटलीस्ट यहाँ भीड़ नहीं होती जितनी असल में होती है. जनपद मार्केट घूमने के बाद हम आए इंडिया गेट, जहाँ जाने के पहले हमने सबसे पहले सॉफ्टी खाई, और अब हम जाएंगे इंडिया गेट की तरफ. यहाँ पर परी ने इलेक्ट्रिक वाली साइकिल चलाई,
फिर लास्ट में सब घूमने के बाद हम गए जैन चावल, और यहाँ पर हमने खाया कड़ी चावल, फ्राइड राइस और छोले चावल, और फिर हम आ गए घर वापस। सो गाइस, कल सीपी से लास्ट में हमने जैन चावल से चावल खाए, उसके बाद आने के बाद मैं अभी उठी हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट लेके आया, परी सो रही है, मम्मी लेटी हुई है, चाय लेकर आई हूँ। गाइस, अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद गॉसिप कर रही है सैलून में, ये बहुत बात करती है, और मम्मी का मेरा एक ही कवर्ड बचा था, वो भी मम्मी सेट कर रही हैं। फाइनली मेरा एक कवर्ड अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद मैंने मम्मी का अच्छा सा फेशियल किया, बहुत अच्छी मसाज दी, बहुत आराम से फेशियल किया। बस अभी हम लोग सब नहा धो लिए हैं, और अभी बस खाने के लिए मंगाया है, तो लेट्स सी। ये है, इसमें है मंचूरियन, और एक ये प्लेटर है, दैट इज इट। तो हम आए हैं जूडियो शॉपिंग करने के लिए। मम्मी गाइस, यहाँ पे शॉपिंग हो गई है, सलोनी की शॉपिंग, और ये है मेरा वाला बैग पकड़ी, हमारी शॉपिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे सॉफ्टी खाई और खाया पॉपकॉर्न। और अब हम फिर से निकल गए दिल्ली के लिए, और अब हम आए कुछ स्पेशल करवाने के लिए, जिसके लिए परी स्पेशली दिल्ली आई है, वो है परी का टैटू। तो यहाँ पे वो ले रहे हैं मम्मी का फिंगरप्रिंट, वो डैडी का फिंगरप्रिंट लेके ऑलरेडी आई थी, एक अच्छा सा टैटू बनवा रही परी, जिसमें मॉम एंड डैड के फिंगरप्रिंट होंगे। तो बनने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं मम्मी के लिए सैंडविच लेके आई थी एंड पास्ता, और ये फिंगरप्रिंट का डिज़ाइन बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा और बचा है बनने का, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। और परी एक भी नहीं हुई है टैटू बनवाने में, इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। एंड इसके बाद हम गए बंगला साइड, बट यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, बिकॉज बैसाखी के दिन गए थे, बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मम्मी और परी पहली बार आए थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और ये है फाइनल रिजल्ट परी के टैटू का। नाउ सेकेंड डे इन द मॉर्निंग, मैंने और मम्मी ने लंच कर लिया है, उसके बाद हम फ्रूट्स लेके आए, हमने मैंगो मस्टमेलन खाया, परी ने लंच नहीं किया। मेट्रो स्टेशन जाते ही परी को भूख लग गई, फिर हम बर्गर किंग आए, फिर मील खाया। तो नेक्स्ट डे हम आए थे नेहरू प्लेस, यहाँ पर रहती है मेरी दीदी निहारिका दीदी, तो हम इनसे मिलने आए। देन वी हैड पिज़्ज़ा, नाचोस एंड
राज कचौरी। दीदी से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, फिर हम वापस गुड़गांव आए एंड देन आई टुक माय मॉम एंड माय सिस्टर टू साइबर हब। तो गुड़गांव वाले ये जगह कैसे छोड़ सकते हैं दिखाने के लिए, तो मैंने मम्मी को साइबर हब दिखाया। वहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने मम्मी को दिखाया, हम थोड़ा देर वहाँ पर घूमे। तो नेक्स्ट डे मम्मी को निकलना था वापस शहडोल के लिए, तो मैं मम्मी को पास के अच्छे अच्छे मंदिर लेकर गई। वहाँ से आए, मेरा फास्ता तो मैंने पिया गन्ने का रस और मम्मी ने पी चाय, और ये अब हम निकल गए फॉर हज़रत निज़ामुद्दीन। स्टेशन पहुँचते ही लग गई मैडम को भूख, तो हमने खाई पानी पूरी। हमने नहीं, आई मीन परी ने खाई, बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेस्ट कि दिल्ली में कैसी पानी पूरी मिलती है। तो इन लोगों ने खाई पानी पूरी और यहाँ पे मैंने मम्मी को और परी को किया बाय बाय। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।